हाँ दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच हमें आज तीसरा टेस्ट मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में देखने को मिला था। और इस मुकाबले में ऋषभ पंत जब भारत को एक काफी क्लोज मुकाबला में जीत की तरफ ले जा रहे थे, उसी टाइम हमें काफी ज्यादा खराब डिसमिसल देखने को मिला। दरअसल जब 106 रनों के स्कोर पर इजाज खान, जो पूरी सीरीज में शानदार गेंदबाजी करते हुए आए थे, उन्होंने ऋषभ पंत को गेंद दी तो ऋषभ पंत इस पर डिफेंड करना चाहते थे, लेकिन इसके बाद गेंद ऋषभ पंत के बल्ले से लगकर हमें टॉम ब्लेंडल के पास जाते हुए नजर आई, जिसके बाद उन्होंने कैच ले लिया। ऋषभ पंत आउट दिए गए। हालांकि ऋषभ पंत इस डिसीजन से काफी ज्यादा निराश नजर आए। साफ साफ पता चल रहा था कि गेंद उनके बल्ले से नहीं बल्कि पैर से जाकर लगी थी, लेकिन क्योंकि इस सीरीज में हमें हॉटस्पॉट देखने को नहीं मिला, जिससे पता नहीं चला कि गेंद बल्ले पर टच हुई है या फिर पैर पर, स्नो मीटर पर हमें सीधे स्पाइक देखने को मिली, जिसके बाद ऋषभ पंत को आउट दे दिया गया। ऋषभ पंत इससे काफी ज्यादा निराश नजर आया और ड्रेसिंग रूम में डी ओ रोहित शर्मा और गौतम गंभीर को बता रहे थे कि गेंद उनके बल्ले से लगी नहीं। कमेंट करके आप लोग बताना कि आपके हिसाब से ऋषभ पंत आउट थे या नहीं।